दीपावली आसिले अधिकांश मन को रामायण कथा आसे। भगवान श्री राम रावण बध करी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जो दिन अयोध्या फेरी से गांठ नगर जाए सबुठी जली दीप अंधार रूपी राक्षस आलोकर विजय दर्शाई अयोध्यावासी अहंकार उपर विजय पर्व भाव से प्रत वर्ष दीपावली पालन होले आपण जानती कि केवल रामायण नुहे दीपावली सह जड़ित अनेक पौराणिक कहानी किंबदंती कहुची जे एही दिन भगवान श्रीकृष्ण हाथ में नरकासुर बध होता। श्रीकृष्ण स्त्री सत्यभामा सहायतार असुरराज नरकासुर को बध करते स्त्री हाथ में बध हाबापी अभिशाप पाई नरकासुर हेले असुरराज आतंक और अत्याचारू मुक्ति मिलवा खुशी रे लोके दीपोत्सव पालन आरंभ करते। सेहीपरी दीपावली कथा आसिले पांडव कथा मन पड़े। एही दिन बनवास घर को फेरी पांडव जो खुशी रे समग्र नगर को आलोकित करा सेबेठारु दीपावली परंपरा आरंभ होइथिबा पुराण कहुची। दीपावली संबंधित आउ एक कहानी भी बेस रोचक। समुद्र मंथन समय रे दीपावली दिन ही माता लक्ष्मी को आविर्भाव होइथिला। धन और समृद्धिर देवी माँ लक्ष्मी निकट में यह दिन दीप दान कले धन लाभ होबार विश्वास रही। एकदा सिख षष्ठ गुरु गोविंद सिंह 52 राजा को ग्वालियर दुर्ग में बंदी करथिला मोगल सम्राट जहांगीर। जेतबेले गुरु को मुक्त करिया प्रक्रिया आरंभ होता सेतबेले से राजा मानक मुक्ति भी दाबी करथिले। गुरु हरगोविंद सिंह को कथा रे राजा मानंकु भी मुक्त करा दैथिला। सेबेठु सिख समुदाय एही दिन को दीपावली स्वरूप पाली थांती। भारतर अंतिम हिंदू राजा विक्रमादित्य को कहानी भी दीपावली सह जड़ित। प्राचीन भारतर आदर्श राजा भाव जनाशुना विक्रमादित्य कार्तिक अमावास्या रे राजाभिषेक होता जो दीपावली रे आलोक होता राज्य। आउ एक पौराणिक कथा अनुसार माता पार्वती जेतबले राक्षस को बध करने महाकाली रूप धारण करते सही समय रे माँ का क्रोध शांत हो नथिला। महाकाली क्रोध शांत करने भगवान शिव तांको शरण रे सोई पड़ीथिले। भगवान शिव को स्पर्श पर माँ का क्रोध शांत होता। माँ को शांत करने सेबे थारु लक्ष्मी पूजार आरंभ होता। एही राति रे रौद्र रूपी काली को आराधन करिवार भी परंपरा रही आसी। ब्यूरो रिपोर्ट नंदी घोष डिजिटल।